एवरीवन हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ, आज के हमें सेशंस में समझना है चैप्टर नंबर 19 राइटिंग स्किल। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था एप्लीकेशन और राइटिंग लेटर राइटिंग, ये राइटिंग स्किल तो उससे भी इजी है। रीड द फॉलोइंग इनविटेशंस एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फेलो फॉलो, यानी कि ये देखो एक इन्विटेशन कार्ड है, इसको पढ़ना है और इसमें जो आंसर है वो देने हैं। देखो, यू आर इनवाइटेड टू सैम्स बर्थडे पार्टी, ही इज अ टर्निंग अ 12 एट मैकडोनल्ड्स पीवीएस मॉल 8 December 6 PM वेल सर्विंग अ बर्गर्स फ्रेंच फ्राइज एंड केक वेटिंग फॉर यू टू जॉइन विद इन द फन। यहाँ देखो हमें क्या करना है कि ये एक बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है। मान लो कि आपको कोई अपना फ्रेंड का बर्थडे कार्ड इनविटेशन कार्ड मिलता है, तो इनमें से ये सारी चीज़ें होगी कि किसका बर्थडे है। तो यहाँ देखो सैम का बर्थडे है, ही इज़ अ टर्निंग अ 12 यानी कि उसको 12 ईयर्स होने वाले हैं। तो बर्थडे पार्टी कहाँ रखी है? एट मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स में पीवीएस मॉल है उसमें। कब है? 8 दिसंबर के दिन है ये पार्टी। कितने बजे? शाम को 6 बजे। उसमें खाने की कौन सी चीज़ है? तो भाई बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, केक्स है। अब देखो यहाँ, अब हमें इसको देखकर यहाँ के क्वेश्चन लिखने हैं। What is a Sam celebrating? तो हम यहाँ लिखेंगे Sam is celebrating a birthday. When and where is the celebration? At McDonald's PVS Mall on the 6 PM 8 December. What will be served to the guest? तो वहाँ कौन सी चीज़ खाने को सर्व कर की जाएगी? तो फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, ये सारी चीज़ें। If you desire to go a Sam's party, whom will you take with you? यदि आप अपने सैम की बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हो तो किसको साथ में ले जाओगे? तो आप लिख सकते हो मेरे बेस्ट फ्रेंड को ले जाऊंगी, मैं अपने भाई को ले जाऊंगा, अपने बहन को ले जाऊंगी, लाइक डैट। तो ये समझ में आ गया कि देखकर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सिंपल, राइट एन इन्विटेशंस टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू योर पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी। अब यहाँ देखो उसी तरह आपको क्या लिखना है, एक इन्विटेशंस कार्ड लिखना है उसी तरह। डोंट वरी, मैं भेज दूंगी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके। किसके लिए है? हमारी पेरेंट्स की बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए, तो वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। देखो तो ये समझ लो तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। Look at the detail. Wanted a criminal. Write his descriptions for the newspaper. देखो यहाँ हमें एक नया टास्क दिया है इस राइटिंग स्किल में। हमें क्या करना है? Hints. Short height, one eyed, a scar on a right cheek and long hair. यहाँ एक क्रिमिनल के बारे में हमें नरेशन करना है, तो उसमें पॉइंट बताए हैं, हिंट बताए हैं कि उसकी हाइट है कम है, वो आँख है वो एक है, वो बहुत स्केयर दिखता है यानी कि बहुत भयानक दिखता है, उसके लंबे लंबे बाल। तो डोंट वरी, ये नरेशंस की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। मैं सिर्फ इसमें समझा ही रही हूँ कि आपको इसमें क्या है, वो नरेशंस आपको मिल जाएगा। अब देखो आगे का टास्क। Read the following hints and write a short paragraph about 50 to 60 word. यानी कि यहाँ हमें राइटिंग स्किल में देखो ऐसे ऐसे आपको यानी कि टास्क देंगे, बर्थडे कार्ड बनाना, इनविटेशन कार्ड बनाना, ऐसे क्रिमिनल के बारे में नरेशन करना, फिर कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ किसके बारे में लिखना है? महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पैराग्राफ लिखना है। देखो महात्मा, यहाँ हमें पॉइंट्स दिए हैं, ये भी इसकी भी यानी कि इस पूरे चैप्टर की चैप्टर नंबर 19 की मैं पीडीएफ भेज दूँगी। महात्मा गांधी, बॉर्न इन गुजरात, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, इम्प्रूव्ड द स्टेच्यू ऑफ अ लॉयल स्टेटस ऑफ अ लवली पीपल एंड फादर ऑफ द नेशंस। तो यहाँ हमें गांधी जी के बारे में भी पैराग्राफ लिखना है, तो वो मैं लिख कर भेज दूंगी। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें। अब देखो यहाँ, यूज द सिक्वेंस ऑफ द पिक्चर एंड द वर्ड गिवन इन बिलो टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अब दूसरा टास्क हमें राइटिंग स्किल में ये दिया कि पिक्चर को देखकर हमें यहाँ एक कहानी बनानी है, इसके पॉइंट से वो भी हमें दिए है। देखो, वंस द विंड चैलेंज द सन, द विंड ब्लू, द ट्रैवलर रैप्ड हिज
wrapped his cloak tightly and the sun shone brightly. The wind accepted defeat. यानी कि ये कहानी एक्चुअली एक सूर्य और पवन के बारे में झगड़ा होता है, वो दोनों कंडीशन रखते हैं, तो वो ही ये कहानी है, तो वो भी मैं यहाँ आपको लिख दूँ, लिख कर भेज दूँगी। यानी कि राइटिंग स्किल में आपको पिक्चर कंपोजिशंस भी होगा। ये पिक्चर कंपोजिशंस मीनिंग क्या, कि पिक्चर को देख के पॉइंट्स के थ्रू आपको कहानी लिखनी है, सिंपल बात। तो ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। अब देखते हैं लास्ट। देखो, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस बेस्ड ऑन द गिवन सेंस। तो यहाँ हमें इस पिक्चर को देख के भी उसके बारे में शॉर्ट पैराग्राफ ही लिखना है। ये पैराग्राफ एक्चुअली होली फेस्टिवल का है, तो उसके बारे में लिखना है कि होली फेस्टिवल में बच्चे किस तरह से होली को मनाते हैं, तो वो भी मैं आपको लिख कर भेज दूँगी। अब देखो, यहाँ ये पिक्चर है कोई गार्डन का है जिसमें बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो उसके बारे में हमें भी यहाँ शॉर्ट पैराग्राफी लिखना है। इन शॉर्ट हमें यहाँ तो सिर्फ इस पिक्चर को ही देखकर पिक्चर में क्या कहना चाहते हैं उसको ही देखना है। उसके अलावा हमने ये इनविटेशन कार्ड देखा, फिर ये पैराग्राफ, फिर ये पैराग्राफ। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 19 होता है ख़त्म, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में यानी कि आपको अलग अलग टास्क ही सिर्फ बताए जाएंगे कि आपको ये करना है, इनविटेशन कार्ड बना। 5 मार्क में देखो क्वेश्चन होगा कि इनविटेशन कार्ड बनाओ, जैसे यहाँ ये एक्सरसाइज है, पे कोई किसी के ऊपर पैराग्राफ लिखो, तो ये इस चैप्टर की PDF आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, मैसेज राइटिंग। देखो, मैसेज राइटिंग किसे कहते हैं, फॉर्मेट, यानी कि जैसे लेटर एप्लीकेशन का लिखने का रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्मेट होते हैं, उसी तरह ये मैसेज लिखने के फॉर्मेट है। देख, मैसेज यानी कि हमारे व्हाट्सएप के मैसेज नहीं, लेकिन बल्कि हम प्रॉपर तरीके से जो पेज पर मैसेज लिखते हैं वो। देखो, फॉर्मेट में आपको क्या डालना है कि डेट डालनी है, टाइम डालना है, नेम ऑफ द पर्सन टू whom द मैसेज इज डायरेक्टेड, बॉडी ऑफ द मैसेज एंड नेम ऑफ द राइटर। यानी कि मैसेज में क्या है, पत्र की तरह ही लिखना है, लेकिन मैसेज में एड्रेस बेड्रेस नहीं डालना है, एड्रेस नहीं डालना है, लेकिन क्या डालनी है, डेट डालनी है, डेट डालने के बाद टाइम डाल देना है, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आपको मैसेज भेजना है, फिर बॉडी ऑफ द मैसेज यानी कि मैसेज किसके बारे में है। आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि हमें आज पिकनिक में जाना है, तुम घर से परमिशन ले लेना, उसके बारे में मैसेज है, तो वो लिखना है जो आप बताना चाहते हो, और नेम ऑफ द राइटर, और लास्ट में अपना नाम लिख देना, योर फ्रेंड केवल, ऐसा करके जो लिखा है। अब देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ द मैसेज, द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन द माइंड, ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल शुड बी रिटन। यानी कि मैसेज, अब मैसेज में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डालनी है, कुछ फालतू फिजूल बातें नहीं, नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड, जैसा मैंने कहा फिजूल बातें नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस शुड बी यूज्ड, यानी कि उसके इंग्लिश के सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर टेंस में होने चाहिए, इनडायरेक्टेड और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज्ड। यानी कि मैसेज राइटिंग में आपको रिपोर्टेड, ये पॉइंट है ना, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आपको अपने घर से क्या कहा, उसी तरह इनडायरेक्टेड स्पीच का मीनिंग आप अपने फ्रेंड को कहते हो तो वो ठीक से लिखना है। द मैसेज शुड बी प्रेजेंट टेंस एंड विद इन अ बॉक्स, बॉक्स में ड्रॉ करके मैसेज लिखना, यानी कि पेज में देखो इस तरह सा एक बॉक्स बनाना और उनमें ही मैसेज लिखना। द वर्ड लिमिट फॉर अ मैसेज 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड्स का मैसेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, कम हो तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। ओनली द वर्ड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड। तो देखो इसका ये फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड देखो डेट टाइम, फिर अपने फ्रेंड को लिखते हो तो पत्र की तरह डियर फ्रेंड, कंटेंट लिख देना यानी कि मैसेज की मैटर क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हो वो लिख देना, और राइटर्स नेम यानी कि राइटर्स नेम, ऐसा करके एट द एंड आपका लास्ट
नेम लिख देना। पत्र में हम लिखते थे कि योर फेथफुली, तो यहाँ आपको ऐसा लिखना है एट द एंड राइटर्स नेम। अब देखो आगे, अब ये यहाँ एक मैसेज लिखा है उसका एग्जाम्पल है। यूजिंग अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो राइट द मैसेज विच अनन्या लेफ्ट फॉर हर ब्रदर और शौर्य। डू नॉट लीव आउट एनी विटल इंफॉर्मेशन और एड एनी न्यू इंफॉर्मेशन। ये देखो यहाँ सिर्फ हमें मैसेज की मैटर बताई गई है, मैसेज हमें यहाँ लिखना है। ये तो सिर्फ उसका नरेशन है, ये मैसेज नहीं है, उसका नरेशन है। ये लॉन्ग में है, डायलॉग में है, बड़े बड़े डायलॉग्स में, बातचीत में है, उसको मैसेज हमें शॉर्ट होना चाहिए जैसा यहाँ कहा। देखो सौरभ इज दिस अ नंबर, अनन्या कहती है हाँ यस मे आई नो हु इज स्पीकिंग, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन बोल रहा है। सौरभ आई एम सौरभ, आई वॉन्ट टू स्पीक अ शौर्य, आई एम हिज फ्रेंड। तो फिर सौरभ कहता है कि मैं सौरभ हूँ, मुझे शौर्य से बात करनी है जो मेरा मित्र है। तो अनन्या कहती है कि हाँ मैं उसकी बहन हूँ, आई एम हिज सिस्टर। शौर्य इज नॉट एट होम द मोमेंट, यानी कि शौर्य घर पर नहीं है। कैन यू रिंग अप अ लेटर लिटल लेटर, क्या तुम थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हो। सौरभ से आई शैल बी अ लिटल बिजी, एक्चुअली आई एम गोइंग टू सी अ मूवी विथ माई पेरेंट्स। तो सौरभ कहता है कि ना मैं बिजी हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाला हूँ। सो आई कांट गो विद देम लक्ष्यस हाउस, सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल फॉर द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड। दिस इज द न्यूज़ डेट आई वॉन्टेड टू गिव अ शौर्य, विल यू डू डेट फॉर मी। ऑल्सो टेल हिम डेट आई लेट हिम नो द स्टोरी ऑफ द मूवी। तो सौर्य कहता है कि मुझे सौरभ कहता है कि मुझे अभी अभी शौर्य से बात करनी नेसेसिटी है, फिर मैं उसको सारी बातें फ़ोन पर बताऊंगा, मूवी की स्टोरी कैसी थी वो भी बताऊंगा जो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ देखने वाले हूँ। अनन्या सेज आई विल डू डैट, बाय एंड ऑल द बेस्ट। अनन्या हैड टू लीव फॉर ऑफिस ऑफिस शो सी रॉट अ नॉट फॉर अ शौर्य, राइट हर मैसेज इन नॉट मोर देन। अब इस अनन्या को अनन्या ने किसके साथ बात की, इस सौरभ के साथ। अनन्या ने किसके साथ बात की, इस सौरभ के साथ। वो इस अनन्या और शौर्य भाई बहन है, भाई बहन है। अनन्या ने सौरभ के साथ बात की। अब अनन्या ये फ़ोन आया, कॉल आया, तब कहाँ थी, ऑफिस में थी। तो ये इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, देखो। और फिर अनन्या है वो अब शौर्य को मैसेज लिखेंगी यहाँ, तो वो मैसेज हमें लिखना है। तो इस ये आपको मैसेज की पीडीएफ है, वो मैं भेज दूँगी। अब अनन्या है वो अपने भाई शौर्य को मैसेज भेजेंगे किसके बारे में, सौरभ के बारे में। तो इसे कहते हैं एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्टली कहना। इनडायरेक्टली हुआ ना कि अनन्या बाहर थी, उसका भाई था नहीं, और शौर्य भी, ये जो सौरभ था वो भी बिजी था। तो जो इस तरह से बातचीत होती है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उसी तरह कि अनन्या अब किसके बारे में कहेंगी कि सौरभ का मैसेज है वो अपने भाई शौर्य को देंगी, वो हमें 15 वर्ड्स में लिखना है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 20 होता है कंप्लीट, एज वेल एज हमारा ग्रामर का कोर्स भी होता है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 यानी कि राइटिंग स्किल और मैसेज राइटिंग दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।